हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी मैक्रोनी। चीज़ी मैक्रोनी बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्रोनी बनाने। ये मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी में जब खौल आ जाए तब हम इसमें डाल देंगे ये मैक्रोनी। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि ये चिपके ना। और अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं और मैक्रोनी जो है वो अच्छे से पक चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं। चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं। इसमें मैं रख देती हूँ कढ़ाई गरम होने के लिए। तो चीज़ी मैक्रोनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं इसमें ऑयल। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये चॉप करा हुआ लहसुन। ये है हरी मिर्च। स्टार्ट कर लेंगे। तो लहसुन अच्छे से भुन जाए तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये बारीक कटी हुई प्याज। स्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों ओनियन का कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज के बाद हम ये बारीक कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। अब टमाटर डाला है तो नमक को डालना पड़ेगा ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए। हम अब थोड़े से घर के मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और ये है चुटकी भर घर की पिसी हुई लाल मिर्च। और थोड़ा सा कलर देने के लिए ये डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च। घर के मसाले डालने से क्या होता है, टेस्ट जो होता है वो मेहनत हो जाता है। तो मैंने थोड़े से मसालों को ऐड किया है। तो अब मैं इसमें डाल लेती हूँ 1 चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। आप बिल्कुल भी परवाह ना करें कि जो मैक्रोनी है वो मीठी हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ये जो है टेस्ट को एनहांस करता है। इसको मिक्स कर लेंगे। ये है रेड वाली शिमला मिर्च। अगर आपके पास रेड वाली नहीं है तो आप ग्रीन वाली भी डाल सकते हैं। और ये है ग्रीन शिमला मिर्च। मैंने इसको बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है जिससे कि मैक्रोनी जो है बनने के बाद दिखने में सुंदर लगे। फ्लेम को इस टाइम हाई रखना है। सारे मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। तो इस स्टेज के बाद हमें क्या करना है, हम डाल देंगे इसमें ये मैक्रोनी।
मैक्रोनी एकदम सब में डालनी है। पहले हम थोड़ी डालेंगे, उसके बाद उसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो बची हुई है उसको बाद में डालेंगे। तो मैंने इतनी सारी मैक्रोनी को मिक्स कर लिया है और जो थोड़ी सी बची हुई थी इसको मैं बाद में डाल देती हूँ। इसको भी हम इसी के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को जो है वो लो कर देना है इस टाइम। दोस्तों फ्लेम को लो रखना है और अब आएगा हमारा ये है मेन गेस्ट चीज़ मैक्रोनी का। तो अब मैंने ये लिया है मोज़रेला चीज़, तो इसको मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर। मैंने भर भर के चीज़ डाल दिया है क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है चीज़ मैक्रोनी। अगर आपके पास स्लाइस वाला चीज़ है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है चीज़ से। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और अब हम इसको कवर कर देते हैं और लो फ्लेम में हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन को उठा के देखते हैं। वाह, चीज़ जो है एकदम मेल्ट हो चुका है मैक्रोनी में और गैस को ऑफ कर देते हैं हम और अब हम इसको सर्व करने की तैयारी करते हैं। तो मैं इसके ऊपर डाल लेती हूँ चुटकी भर कुटी हुई काली मिर्च। ये है हॉट चिली फ्लेक्स, इसको भी डाल देते हैं इसी के ऊपर। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो चीज़ी मैक्रोनी बनकर एकदम रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।